जो भी लिटरेसी स्किल हम एक्वायर uh, करना चाह रहे हैं सीखना चाह रहे हैं उसके लिए आप किसी कोर्स में एडमिशन लेते हैं या आप अपने ऑन योर ओन यू ट्राई टू एक्वायर सम नॉलेज रिलेटेड टू दैट लिटरेसी स्किल आप क्या करते हैं यू आर यूजिंग सर्टन लैंग्वेज सो ये वाली जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ रिलेटेड टू लैंग्वेज एंड लेवल्स ऑफ लैंग्वेज और हम हम जब बात करते हैं लैंग्वेज की तो हमारा क्या मतलब होता है लैंग्वेज जो है वो एक सिस्टम है दैट कैन बी डिफाइंड एज अ सिस्टम दैट वी यूज टू कम्युनिकेट विद अदर्स अभी देखिए उसके पर्पज डिफरेंट हो सकते हैं और अगर मैं ये कहूँ की लैंग्वेज जो है वो बेसिक की है टू एनी थिंग तो देट वॉन्ट बी रॉन्ग बिकॉज वी कैंट गो बी ऑन्ड लैंग्वेज वॉट एवर द पर्पज में भी फॉर इंस्टेंस एट द मोमेंट आई एम टॉकिंग टू यू आई एम Uh, are trying to teach you the concepts related to this particular topic or they're related to this particular course, so make your career I am using the language. If you are doing what are you uh, doing right now? You are trying to pick up the language. Jo bhi baat kar Wo language ke through kar hun, na? Suppose you are writing something, pencil use, kar rahe, or you are making notes on computer, so what kar you You are using the language. सो लैंग्वेज जो है वो दैट इज द बेसिक की टू एनी थिंग और उसका पर्पज डिफरेंट हो सकता है यू आर हैविंग अ चट चैट विध यगेन यूज ऑफ लैंग्वेज यू आर आस्किंग सर्टन प्राइसेस रिलेटेड टू सर्टन थिंगस और एक बात हो रही है आपके और उसके दरम्यान शॉपकीपर के अगेन यू आर यूजिंग द लैंग्वेज और uh, आप अपने टीचर से कोई बात पूछ रहे हैं यू आर ट्राइंग टू कन्फर्म द डेट ऑफ द टेस्ट यू आर यूजिंग द लैंग्वेज आप कोई बुक पढ़ रहे हैं यूज ऑफ लैंग्वेज इज देयर यू आर राइटिंग सर यूज ऑफ लैंग्वेज इज दे आर सो देर कैन बी डिफरेंट पर्पजेज बट द बेसिक पर्पज इज ऑफ लैंग्वेज इज ऑफ कम्युनिकेशन मेरे और आपके बीच में इस वक्त चल रही है आपके और आपके टीचर के दरमियान चलती है अगर आप टेस्ट की डेट पूछते हैं आपके और शॉपकीपर के दरम्यान चल रही है इफ़ यू आर आस्किंग द प्राइसेज तो लैंग्वेज जो है दैट इज सिस्टम दैट इज यूज फॉर कम्युनिकेशन दर्पज में सारी की सारी उस कम्युनिकेशन के उसके साथ आ, आ, मकसद से आ, के लिए होती है और फिर लैंग्वेज जो है वो कलेक्टिवली उसमें साउंड सिम्बल्स साइंस होते हैं वो उसके हम और वो मिलके फिर आपके वर्ड्स बनते हैं सेंटेंसेस बनते हैं इसके किसी भी लैंग्वेज के अंदर बहुत सारी सारी ये चीज़ें कलेक्टिवली काम कर रही होती हैं चाहे आप उर्दू की बात कर लें और यू कैन गिव द एग्जांपल ऑफ इंग्लिश ये सारे के सारे सब सिस्टम्स उसके अंदर आते हैं जिसके मुतल के हम वन बाई वन बात करेंगे और हम देखेंगे कि वन वी टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर सिस्टम तो इसकी हमारी क्या मतलब है इफ गिव एग्जांपल ऑफ दिस पर्टिकुलर सिस्टम तो उससे हमारी क्या मतलब है बट इन शॉर्ट लैंग्वेज इज अ सिस्टम फॉर द पर्पज़ ऑफ कम्युनिकेशन आपके पर्पजेज उस कम्युनिकेशन के डिफरेंट हो सकते हैं यू कैन हैव अ चेट चैट विद अ फ्रेंड यू कैन टॉक टू योर टीचर यू कैन एक्सप्लेन सर्टन थिंग यू कैन

Purposes can be different of communication can have different purposes, communication can have different modes, different styles, but Sari Kisari language ke under hoti hai.